Good morning, students. So in last video we have done with calls in area. Now we are going to do the concept of share forfeited. Now what is share forfeited? Share forfeited क्या होते हैं? अब जब कंपनी ने कॉल की but it is not paid by the shareholder, तो कंपनी कुछ time period देती है. जैसे हमने example ली थी, for example आपने car purchase की installment ली, right? अब मान लो आपने 5 इंस्टॉलमेंट पे कर दी और नेक्स्ट नहीं पे कर पाए, उससे नेक्स्ट भी नहीं पे कर पाए, मतलब कुछ टाइम देने के बाद भी यू वर नॉट एबल टू पे. अब कंपनी क्या करेगी? कार अपनी वापस ले जाएगी. सेम इन केस ऑफ शेयर्स कि कंपनी 30 डेज का टाइम देती है शेयर होल्डर्स को. अगर विद इन द टाइम शेयर होल्डर्स स्टिल दे आर नॉट एबल टू पे दी मनी, तो कंपनी क्या करेगी? उनके शेयर फोरफिट कर लेगी, इसको हम बोलते हैं जब्त कर लेगी. अब उसको कंपनी बाद में क्या कर सकती है? रीइश्यू भी कर सकती है. जैसे वो ने कार अगर वो वापस लेगी तो उसको रीसेल भी कर सकती है. सेम इन केस ऑफ शेयर, जब कंपनी अपने शेयर्स वापस लेगी तो हम उसको बोलते हैं शेयर फोरफिटेड, राइट? अब उसके बाद अगर कंपनी उसको दोबारा किसी को इशू करेगी, हम उसको बोलते हैं रीइश्यू. तो फिलहाल हम इस एग्जाम्पल में करेंगे हाउ टू शो शेयर फोरफिटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. सो वी हैव टेकन द सेम एग्जाम्पल, लाइक ए बी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद इन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 lakh divided into 50,000 equity shares of ₹10 each. The company decided to offer to public for subscription 30,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 20 per share. Again, we will not do anything with the premium. So applications for 28,000 shares were received and the allotment was done to all the applicants. Means 28,000 application आई और कंपनी ने सारे के सारे shares allot कर दिए, right? मतलब no application was rejected by the company. So all the shareholders paid the money except one who hold 200 share didn't pay the final call of ₹2 per share. अब इसमें सेम कि बाकी सबने तो पे कर दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर थे उसने फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर नहीं पे किया. और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10, मतलब उसने 8 पे कर दिए लेकिन लास्ट कॉल ही वॉज नॉट एबल टू पे. दीज शेयर्स वर फोरफिटेड बाय द कंपनी. कंपनी ने क्या किया? ये शेयर फोरफिट कर लिए. अब नाउ वी हैव टू शो द ट्रीटमेंट इन द बैलेंस शीट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द नोट्स टू अकाउंट. सेम प्रोसीजर, वी शो द ऑथराइज्ड कैपिटल. ऑथराइज्ड को हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल. तो कंपनी को कितनी अथॉरिटी है कि मैक्सिमम कितने इशू कर सकती है? 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर, राइट? सो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी? 5 लाख, राइट? नेक्स्ट इज द इश्यूड कैपिटल, दैट इज ऑफर टू द पब्लिक. कंपनी ने कितने ऑफर किए? द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 30,000 इक्विटी शेयर. ये हमारा आ गया 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर. ये हमारा कितना आ गया? 3 लाख. सेम नेक्स्ट इज सब्सक्राइब. तो सब्सक्राइब में हमारे पास अगेन दो हेडिंग है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप. सब्सक्राइब है, नॉट फुली पेड अप. अब अगेन हमारे पास फुली पेड अप कितनी है? कितनी एप्लीकेशन आई? 28,000. हमने कितना मंगवाया था? 10 पर शेयर, राइट? अब 200 वालों ने 2 पर शेयर नहीं पे किया, इट मीन 27,800 वालों ने तो पूरा 10 पे कर दिया, क्योंकि 200 वालों ने कितना पे किया? 8. तो इट मीन्स आउट ऑफ 28,000, 27,800 शेयर होल्डर्स ने पूरे ₹10 पे किए. तो दिस इज फुली पेड अप. 27,800 एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर, राइट? अब इसमें हम नॉट फुली पेड अप क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमने क्या किया, हमने कॉल मंगवाई थी उनसे 200 पर शेयर, 2 के अकॉर्डिंग, मतलब 400 हमें नहीं मिले थे. हम इसको बोलते हैं कॉल इन एरियर. लेकिन कॉल इन एरियर तब तक बोलेंगे जितना टाइम उनके पास टाइम है पे करने का. लेकिन अगर कंपनी ने शेयर फोरफिट ही कर लिए तो कॉल इन एरियर तो खत्म, मतलब कोई पर्सन नहीं है जिनसे हमने पैसे मंगवाने हैं. तो कंपनी ने उनके शेयर फोरफिट कर लिए. अब जब फोरफिट कर लिए, उन्होंने 200 × 8 तो हमें दिया हुआ था, तो कंपनी का वैसे तो ये क्या होता है? प्रॉफिट. क्योंकि ऑब्वियसली जो 200 × 8 है, 1600 तो कंपनी के पास है, कंपनी ये तो नहीं वापस करेगी. जैसे सेम अगर हमने कार कंपनी वापस लेगी तो जो हमने इंस्टॉलमेंट पे की हुई है वो तो हमें पैसे वापस नहीं देगी कंपनी. सेम इन केस ऑफ शेयर्स, लेकिन कंपनी शो करेगी कि ये 1600 कंपनी के पास कहाँ से आए हुए हैं? शेयर्स से. तो इसको हम इसमें ऐड करेंगे, ऐड
शेयर फोरफिटेड। तो फोरफिटेड में से जितनी अमाउंट आई हम वो शो करेंगे। 200 इंटू इन्होंने हमें कितना पे किया है, 8%। तो ये था हमारे पास 2,78,000 प्लस 1,600, सो टोटल अमाउंट वी हैव 2,79,600 विल बी शोन इन दी बैलेंस शीट अंडर दी हेड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, देन उसके अगेन क्या आते हैं, शेयर कैपिटल। सो दिस इज द हाउ टू शो शेयर फोरफिटेड। अब इसके बाद अगर कंपनीज को रीइश्यू कर दे तो इसी में चेंजेस करते हैं। इसी में चेंजेस कर दे, मान लो उन्होंने लिख दिया 100 शेयर आउट ऑफ फोरफिटेड, वर रीइश्यूड बाय द कंपनी एट द रेट 8 पर शेयर फुली पेड। अब मान लो जो कंपनी ने शेयर्स वापस लिए थे उसमें से 100 शेयर्स किसी और को इशू कर दिए, किसके अकॉर्डिंग, 8 पर शेयर के अकॉर्डिंग। कंपनी ज्यादा पे भी कर सकती है, कम पे भी कर सकती है, सेम वैल्यू पे भी कर सकती है, राइट। अगर तो 10 शेयर की वैल्यू है, दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, या इसको हम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। अगर मान लो कंपनी इससे ज्यादा में बेच रही है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, सॉरी इशू कर रही है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, एट प्रीमियम। मतलब अगर 10 का शेयर 12 में गया तो 2 क्या हो गया, प्रीमियम। अगर 10 का 8 में दे रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। सो दैट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स को हम बोलते हैं एट पार। तो शेयर्स कैसे कैसे इशू करती है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। बट नाउ अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, कंपनी इज नॉट अलाउड टू शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। तो जो शेयर्स हैं वो सिर्फ पार या प्रीमियम पे इशू होंगे, डिस्काउंट का नहीं है। सो यहाँ पे कंपनी अगर कम पे बेच रही है तो इट डजेंट मीन्स कि वो डिस्काउंट पे बेच रही है, इट मीन्स टू उसको लॉस हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी फोरफिटेड शेयर वो दे रही है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, अब हमारे पास क्या है, 200 शेयर हमने फोरफिट किए थे, उसमें से 100 तो हमने दोबारा इशू कर दिए, मतलब 27,800 पहले पब्लिक के पास थे, जो हमने 200 वापस लिए उसमें से 100 हमने फिर से इशू कर दिए, इट मीन्स अब पब्लिक के पास कितने शेयर हैं, 27,900। तो हम यहाँ पे फुली पेड अप में लिखेंगे 27,900 शेयर एट द रेट ऑफ 10, क्योंकि ये जो प्रॉफिट या लॉस है विल शो इन द रिजर्व एंड सरप्लसेस, नॉट इन द शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे फुली पेड अप मतलब शेयर की वैल्यू 10 है लेकिन कंपनी ने रीइश्यू किस पे की है, 8 पे, राइट। तो यहाँ पे हम 10 ही लिखेंगे, पब्लिक के पास शेयर है 2,79,000। अब हमारे पास जितनी हैं एड शेयर फोरफिटेड, जितने हमने रीइश्यू नहीं किए वो कितने हैं, 100 एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर, इट मीन्स वी स्टिल हैव 800। सो 2,79,800 विल बी शोन इन द शेयर कैपिटल, राइट। सो अगर कंपनी सारे के सारे रीइश्यू कर दे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28,000 इंटू 10 मीन्स 2,80,000, ओके। सो दिस इज हाउ वी शो शेयर फोरफिटेड इन दिस बैलेंस शीट।